दोस्तों तो आज हम इफेक्स ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं नागिन मूवी का हाँ नई नागिन का नहीं वो सीरियल नहीं हम बात करेंगे बहुत पुरानी नागिन मूवी का जिस नाइनटीज ये मूवी है शायद हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने हमें ये रेकमेंड किया तो हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे मुझे इसमें कोई ज्यादा सीन देखने को मिले नहीं क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं थी जो सीन मुझे ठीक लगे तो वो दो सीन है जो कि मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं पहला सीन है जहां पे नागिन कूदती है और उसके मतलब नागिन को उठाकर फेंक देता है फेंक दिया जाता है और वो थ्री टू डी एनिमेशन की मदद से असली सांप भी यूज़ किए गए इस मूवी में ये बात मैं पहले आपको बता देता तो पहले की फिल्मों में क्या होता था दोस्तों थ्री डी नहीं होता था कुछ नहीं होता था तो पहले की फिल्मों में जानवर्स को ऐसे ही यूज़ कर लिया जाता था आपने पहले के पिक्चर में ऐसे ही को यूज कर लिया जाता था सांप कीड़ा बिच्छू सबको ऐसे यूज़ कर लिया जाता था उनके दांत तोड़ दिए जाते थे जहरीले दांत तोड़ के उन्हें ट्रेन किया जाता था तो उन्हें यूज़ किया जाता था अब ये सब बैन हो चुका है आप लोग देखते होंगे कि ये सब अब करना कानूनन अपराध है इसके ऊपर आपके ऊपर केस हो सकता है तो अब तो थ्री यूज होता है पहले असली एनिमल यूज होते थे चाहे शेर हो हाथी हो बाघ हो असली यूज होते थे तो दोस्तों चलिए देखते हैं सीन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2D एनिमेशन की वजह से ये उड़ा गया इमेज है इसको हटा के यहाँ पे सांप आ जाते हैं ये देखिए सांप पेड़ पे है और दोस्तों ये आप देख सकते हैं अगला सीन जो है ये यहाँ पे इसे इमेज की मदद से किया गया और ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों इसलिए बस इतना ही वीडियो है देखते हैं और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो की लाइक और सब्सक्राइब और मैं मिलता है कमाल धड़पड़ वीडियो में और ऐसे ही कमेंट करते रहिए और वीडियो बताते रहिए क्या टॉपिक है उसके ऊपर बताते रहोग अच्छे